नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे फल के बारे में जो हर घर में खाया जाता है और किसी भी उम्र का व्यक्ति इस फल को खाता है। पका हुआ पीला फल ये आपके पेट को दुरुस्त रखता है। दोस्तों, मैं बात करूंगा पपीता के बारे में। पपीता आयुर्वेद और होम्योपैथ के जितने भी लिवर टॉनिक होते हैं उसमें कैरिया पपाया सभी में ये मेन कंपोजिशन होता है लिवर टॉनिक का। दोस्तों, पपीते से बनी होम्योपैथिक दवा कैरी का पपाया बहुत अच्छा एक्सेलेंट मेडिसिन है पेट की गड़बड़ी से संबंधित रोगों के लिए। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। तो इस जो कैरिया पपाया दवा बनाई थी पपीते से, डॉक्टर डीएन राय जी ने रिसर्च करी थी। तो जो भी अपना इन्होंने रिसर्च दिया तो किन किन रोगों में ये लाभकारी है ये दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये पेट में डिस्पेप्सिया की जब कंडीशन हो जाती है, डिस्पेप्सिया यानी कि पेट की गड़बड़ी इंडाइजेशन, पेट खराब रहना, भूख नहीं लगना और लिवर का बढ़ जाना, स्प्लीन जो हमारी पिल्ली होती है, पिल्ली जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाती है, तो आदि रोगों में बहुत लाभकारी औषधि है कैरिया पपाया। और फीमेल में, महिलाओं में ये इसका सेवन बहुत लाभकारी होता है, यूट्राइन डिसऑर्डर को एक ठीक करता है। तो दोस्तों, अगर बात करें पेट की, पेट में लिवर बढ़ जाए, स्प्लीन बढ़ जाए, लिवर स्प्लीन बढ़ जाता है अक्सर मलेरिया डेंगू जैसे रोगों में लिवर स्प्लीन बढ़ जाता है। फीवर की कंडीशन है और लिवर बढ़ा हुआ, लिवर में सूजन है, बुखार आ रहा है, तो कैरिया पपाया मदर टिंचर बहुत एक्सलेंट मेडिसिन है। ये लिवर को नॉर्मल करता है, लिवर के कार्यों को दुरुस्त करता है। और दोस्तों, इंडाइजेशन, लिवर की कमजोरी से हमारा जो हाजमा है खराब हो जाता है, वीक हो जाता है इंडाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पोटी में अनडाइजेस्टेड फूड, अधपका मल जिसको कहते हैं, यानी अधपका ढंग से जो ऐसा आता मल जैसे पका नहीं है ठीक से, पार्टिकल ऐसे आते हैं कि अध, जैसे कि मानिए कि हाजमा आपका अपच के कारण खाना पूरा आपका हाजमा नहीं हुआ है, तो ऐसे में ये लक्षणों में कैरिया पपाया बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों, कब्ज बनी रहती है, थोड़ी थोड़ी पोटी आती रहेगी, पोटी का जो क्वालिटी रहती है वो ऐसा रहता है अधपका मल आता है। जैसे कि टंग जो हमारी जीभ होती है वो सफ़ेद पड़ जाती है अपच की वजह से, जैसे कि दूध की सी परत हो, मलाई की सी परत हो जीभ पर, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ये, अगर आपकी जीभ खराब है और पेट आपको खराब रहता है, जीभ का रंग सफ़ेद पड़ गया है, तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करते हैं। दोस्तों, हमारे डाइजेशन को ये इम्प्रूव करती है, प्रमोट करती है। और खास बात दोस्तों इसमें ये है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दूध और मीट हजम नहीं होता है, वो मीट खाते हैं या नॉनवेज लेते हैं या फिर दूध, एक तरह की एलर्जी कह लीजिए मीट खाने पर, दूध खाने पर, तो ये उन लोगों के लिए, उनका डाइजेशन अगर खराब रहता है तो उनके लिए अचूक रामबाण औषधि है कैरिया पपाया। तो दोस्तों, कैरी का पपाया बहुत अचूक औषधि है जिनका पेट खराब रहता है और दूध पीने पे पेट ज़्यादा खराब हो जाता है या मीट लेने पर ज़्यादा खराब हो जाता है। और दोस्तों, फीमेल में अगर हम बात करते हैं, फीमेल के केसेस में दोस्तों ये जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज है उसको ये इम्प्रूव करती है, हेल्दी करती है। और दोस्तों, अगर कैरी पपाया मदर टिंचर का एक्सटर्नल एप्लीकेशन अगर यूट्रस पर करते हैं, यानी कि कॉटन जुराब लगाकर रख देते हैं, तो ये कभी कभी अवॉइड भी कर देती है। तो प्रेग्नेंट लेडीज में सावधानी के साथ इस दवाई का सेवन किया जाना जरूरी है, एक्सपर्ट की राय में। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ इंडिकेशन बताए हैं कि ये पपाया दवा के, इसमें पोटेंसी आप मदर टिंचर लें, अगर मदर टिंचर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है तो आप इसका 1x या 3x पोटेंसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।